हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2024 में भाद्रपद शुक्ल प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और साथ ही जानेंगे इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र और दीपक से किए जाने वाले एक विशेष उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, इस समय भाद्रपद मास चल रहा है। भाद्रपद मास को भादो नाम से भी जाना जाता है। इस माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। दोस्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 31 अगस्त शनिवार को थी। अब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 15 सितंबर रविवार को आ रही है। दोस्तों, इस दिन रवि प्रदोष व्रत के साथ ही रवि प्रदोष से जुड़े विशेष उपाय भी किए जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं भाद्रपद शुक्ल प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन क्या विशेष उपाय किए जाएंगे। आइए जान लेते हैं भाद्रपद शुक्ल प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, भाद्रपद प्रदोष व्रत 15 सितंबर 2024 दिन रविवार को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 15 सितंबर की शाम 6:26 से रात्रि 8:46। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी प्रारंभ होगी 15 सितंबर की शाम 6:12 पर, और भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 16 सितंबर की शाम 3:10 पर। दोस्तों, सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:17 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:26। दोस्तों, राहु काल शाम 4:55 से शाम 6:26 तक रहेगा। राहु काल में हो सके तो पूजा पाठ न करें, क्योंकि यह अशुभ काल माना गया है। अब जान लेते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि रवि प्रदोष व्रत करने वालों को शिवजी और सूर्यदेव दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। रवि प्रदोष के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान के बाद सबसे पहले सूर्यदेव को लाल पुष्प मिले जल का अर्घ दें। दोस्तों, घर के मंदिर में दीप जलाएं और संभव हो तो व्रत करें। अब भगवान भोलेनाथ का पंचामृत यानी कि दूध दही घी शक्कर और शहद से अभिषेक करें। दोस्तों, फिर पुनः गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक कर उन्हें उनकी सभी प्रिय चीजें जैसे बिल्व पत्र, चंदन, अक्षत, धतूरा उन्हें अर्पित कर दें। इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती और भगवान गणेश जी की भी पूजा अवश्य करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, पूजा के समय सफेद चावलों से बनी खीर महादेव को समर्पित करें। शुभ पंचाक्षर मंत्र का जाप कर व्रत कथा पढ़ें और अंत में संपूर्ण शिव परिवार की आरती करें। भगवान शिव को भोग लगाएं। अब जान लेते इस दिन किए जाने वाले खास उपाय के बारे में। दोस्तों, इस बार 15 सितंबर को रवि प्रदोष के दिन सुकर्मा योग रहेगा। रवि प्रदोष के दिन इस योग में प्रदोष काल यानी कि शाम के समय स्वच्छ होकर भगवान शिव के मंदिर में जाएं और सबसे पहले महादेव का कच्चे दूध मिले जल से अभिषेक करें। इसके बाद 3 बेल पत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। दोस्तों, इसके बाद घी का एक दीपक जलाकर शिवलिंग के समक्ष रख दें। इस दीपक में कुछ दाने काले तिल के जरूर डाल दें। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, इस उपाय से आपको महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।